छुपनी सादों से ये हिजर कैसे झेला है। तो मैं अभी भी दिलावर के माँ बाप का पता मालूम? नहीं, पता तो नहीं है, पता लगाया जा सकता। मुझे बिना सर्च वारंट के यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगली बार आऊंगी तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगी। जिस बबली को तू और मैं बहुत पहले उस ट्रेन के डब्बे में दफन कराए, परिजात ने आकर उसकी याद फिर से ताजा कर दी। पुलिस तुम्हारे चक्कर में जगह जगह छापे मार रही है, इसे में तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आगे नाका लगा हुआ पुलिस का। हर गाड़ी चेक हो रही है, नाके से नहीं गुजर सकते। कोई और रास्ता मालूम है? एक रास्ता है। पता चला? आप परेशान ना हो गुरुजी, बच्चे थोड़ी हैं, आते ही होंगे। यहां से हमें पैदल जाना पड़ेगा। चले। वो है वो घर, इसका तुम पता पूछ रहे थे। पक्की बात है ना? ये इलाके से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरा इंतजार करना, जल्दी आ जाऊंगा। उस्ताद जी, वो परिजात रात से दिख नहीं रहा है, कहाँ गया है कुछ पता है? काम से भेजे? हाँ, एक जरूरी काम से गया था, लेकिन रात को लौट आया। आ गया। कसम से बड़ी लंबी उम्र पाई है, तेरा ही जिक्र कर रहा था। किसी का जिक्र करते वक्त उसके आ जाने से उसकी उम्र बढ़ जाती है क्या? सुना तो यह है, मेरी अम्मा कहती थी। उस्ताद मैं राजे के साथ चोर बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस हो। काम का क्या बना? अर्जी डाला है, देखो आगे क्या होता है। फिलहाल तो उधर से ना है।
हाँ भाई, यही है वो स्टेट एजेंट, लोगों को बगैर पूछे मकान किराए पर देते हो। अब बड़ी जबरदस्त मूछें रखी है तूने, हैंडल है, कौन सा तेल में लगाता है तू? अबे भैया, ये ऐसे बताएंगे नहीं, इनको घुमाओ, इनके हाथ ऊपर करो और लगाओ इनकी फेंटी, फिर समझेंगे। चल मीना साहब, क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये यही दोनों है मैडम, उस प्लाजे के आसपास सारा प्रॉपर्टी का काम यही दोनों करते हैं। सड़की सारा को भी अपार्टमेंट इन्हीं दोनों ने दिलवाया था। क्या हुआ, नाराज है? वो क्यों उधर है? वो उधर कराओ इनके। पलटो है, वो सीधा खड़ा हो, देख ले रहा साफ करे, सीधा खड़ा हो। क्या हो गया है, शक्लों से कितने शरीफ लग रहे हैं, कुछ बताया कि नहीं? फिलहाल तो नहीं मैडम, वही पुराने बहाने के किसी वाकिफकार की जमानत पे अपार्टमेंट दिलवाया था वगैरह वगैरह। शक्लें कैसी मासूम है, कैसे शरीफ लग रहे हैं, लेकिन शराफत की बात समझ में नहीं आती है, फिर बाद में बोलते हैं पुलिस वाले सख्ती करते हैं। लेके जाओ इनको गोदाम में उल्टा टांगो और किसी दो सिपाहियों की ड्यूटी लगाओ। हर आधे घंटे के बाद इनको डंडे पड़ने चाहिए, इनकी चीखों की आवाजें ना मेरे दफ्तर तक आनी चाहिए। ना ही ना तो उन सिपाहियों की खैर नहीं है। ले जाओ इन्हें और जाकर उल्टा टांग दो, मैं भी अभी आता हूँ कुछ देर बाद। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। चले चलो, बड़े बदमाश बनते हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? परेजा तुम? बेटा तुम यहां कैसे पहुंचे? पुराने मोहल्ले से दोस्त के जरिए मालूम करवाया था। शब्बीर चचा कैसे हैं? कौन है शाइस्ता? आजा बेटा अंदर आ जाओ। मेरे लिए वो उसी दिन मर गई थी जब उसने घर से बाहर रात गुजारी थी। अगले दिन मैंने अपने दिल में कब्र बनाकर उसे दफन कर दिया था। ये उसकी पगली माँ है, इसे करार नहीं आता। लेकिन मैंने तो सुना था आप लोग पब्लिक की तलाश में कराची आए थे, सब कुछ बेच बाच के। लोगों को कोई जवाब तो देना था ना अपनी हिजरत का। अपने मुंह से क्या कहते कि अपनी बेटी के घर से भाग जाने की वजह से हम मुंह छुपा के मुंह अंधेरे घर छोड़कर जा रहे हैं। लड़की जात का दामन बहुत कोरा होता है, उसे तो किसी की बुरी नजर भी दागदार कर देती है। इसकी माँ को तुम ही समझाओ, जिसका दामन दागदार हो जाए उसे फिर तलाश नहीं करते। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बबली का दामन अभी भी कोरा और बेदाग है, घर से निकलते ही उससे खुशकिस्मती से आप जैसा मुहाफिज बाप मिलेगा जिसने उसे पनाह दी, फिर आप क्या करेंगे? बेटी थी, 3 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी। मैं परिजात की बात पर यकीन कर भी लूं तो जमाना मानेगा? किस किस को जवाब देंगे हम? किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटी को लेकर किसी ऐसे कोने में चले जाएंगे
हमें कोई ना जानता, हम उसे लेकर चले जाएंगे। बेटी की बदनामी दुनिया के आखिरी सिरे तक फैल जाती है। भूल जाओ उसे, जैसे वो हम दोनों को भूल गई है। वो बच्ची है, नादान है वो, लेकिन हम तो उसके माँ बाप है ना। माँ बाप अगर उसकी मजबूरी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उसे। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, तुम्हें जाना है तो तुम परिजात के साथ चली जाओ, लेकिन याद रखना उसके बाद मेरा तुम्हारा हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा। परिजात, परिजात। जी, कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं? गुरुजी ने बुलाया। अच्छा आता। गुरुजी आपके कोई मेहमान आए? बिठाओ उनको, आता हूं। ठीक है। चला ले इनको। हाँ भाई, बताया कुछ के नहीं? जी मैडम, इन्होंने लड़की का सही सही पता बता दिया है। पहले क्यों नहीं बोल रहे थे हैं? चल सही है, लेके जाओ इनको, पानी पिलाओ इनका, उलिया सही करो, भेजो इनको। ले, ले, ले चलो इनको, मत करो। इधर चलो, इधर इधर, सीधा इधर, सीधा। ए रानी रुक, गुरुजी किधर है? गुरुजी, गुरुजी नीचे बड़े हॉल में, कोई खास मेहमान आए हुए उनके। खास मेहमान कौन? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ गुरुजी ने सख्ती से मना किया कि हमें से कोई भी ना जाए उस तरफ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। उस्ताद जी, उस्ताद जी क्या हो गया है? सबको अंदर आने से क्यों मना किया? आके देख कौन है। कौन आ गया? अच्छा तो तुम हो, बड़ा भगाया तुमने हमको, तुमसे तो थाने चल के बात होगी। लेके चलो इसको, डालो गाड़ी में। प्लीज मुझे जाने दे। कैसे जी सकते हैं तुम? जब हम रातों को तड़पते थे तो
सुकून की नींद कैसे सोती थी। बच्ची तो इतनी संदिल नहीं थी ना। तेरी बबली तो कब की मर गई। ये जो तेरे सामने मौजूद है आप अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते पैरों के चालों से निडाल होकर गिर पड़ा पकड़ी। पता कहां से मिला? उस्तानी जी को मैंने गुरु के अड्डे का पता बताया था क्योंकि मुझे मालूम था जल्दी या बदेर एक बाप का गुस्सा हार जाएगा, एक बेटी की मोहब्बत जीत जाएगी। तूने क्या किया? सब कुछ जानते बूझते हुए भी मुझे इस इम्तिहान में डाल दिया। अपनी खुशी से नहीं आई थी वो दुनिया छोड़कर? तुझे तो सब कुछ पता था फिर भी पे अभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उस्तानी जी ने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें यहां से ले जाने की जिद नहीं करेंगी, तो तुम यहां रुकना चाहो या इनके साथ जाना चाहो ये फैसला तुम्हें करना है, और यहां पे सब तुम्हारे फैसले का एहतराम करेंगे। की रोटियां खाने के लिए रखा हुआ है तुम लोगों को, जो हर दफा बुरी खबर लेकर आ जाते हो। हमने पूरी कोशिश की थी फिरोज भाई, लेकिन इस बार पुलिस हमसे तेज निकली, वो हमसे पहले उस लड़की तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? मुख पर नहीं तुम्हारे थाने में? कहां जाता है सारा भत्ता जो देते हो हर महीने? वो डीएसपी बहुत चालाक निकली, उसने हमें कानो कान खबर नहीं होने दी इस रेड की। तो तुम कहां मर गए थे? पुलिस से पहले वहां पहुंच के उस लड़की को खत्म क्यों नहीं किया? दबो जाओ यहां से। मैंने कहा था ना शाइस्ता, तुम्हारी बबली मर चुकी है। ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ना अजनबी, ये दिलावर है। चलो वापस चलो। मैंने तुम्हारी जिद पूरी कर दी बेटी को एक नजर दिखाने की। अब्बा, अब्बा, एक बार सर पे हाथ नहीं रखेगा। उस्तानी जी, आपने वादा किया था मुझसे कि यहां से आपके साथ बबली जाए या दिलावर, आपको दोनों कबूल होंगे।
और इससे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक हासिल होगा। याद है मुझे मेरा वादा, और मैं तुझसे ना कोई फरमाइश नहीं करूंगी। मार डालूंगी एक माँ के अरमानों को अपने सीने के अंदर दफन कर दूंगी पपली। अगर तू यही चाहती है तो चली जा पपली। तेरे माँ बाप तुझे बहुत मान से लेने आए हैं। गुरु तू भी, तूने भी मुझे मेरे पुराने नाम से बुला लिया आज, क्यों? क्योंकि यही वो हकीकत है जिसे सारी उम्र तुम सामना नहीं कर पाई। तुम्हारा जहन हमेशा बड़ा रहा और इस जहन और रूह की तकसीम में तुम्हें दिलावर और बबली जैसे दो नामों के हिस्सों में चीर के रख दिया। ये सब मेरी गलती है, बेटे की विलादत की शदीद ख्वाहिश, अरे एक बेटी के जन्म लेने से ही गुस्सा शुरू हुआ था ना। मैं बचपन से तुझे लड़कों की तरह लाड प्यार से पालती, पर ना ही तेरे अंदर ये तकसीम पैदा होती। मेरी गलती है। नहीं बहन, इसमें सारा कसूर तुम्हारा नहीं है। ये जग अंदर से दो हिस्सों में बटे लोगों से भरा पड़ा है, और तस्लीम करने की हिम्मत भी कोई एक आदमी करता है। माशरा तो उसे एक एहसास नहीं बल्कि एक गाली समझता है, और घर वाले गुनाह की तरह छुपाते, और यहीं से घुटन पैदा होती जो आगे जाकर ऐसी हजार उलझनों का सबब बनती। शायद सारी बात रवैयों को समझने की। एक छोटे से मोहल्ले में गुजर बसर करने वाले मजदूर बाप को इन उलझनों को समझना इतना आसान नहीं है परिजात, और खास तौर पे बेटी के बाप को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर शबीर चचा। चलो शाइस्ता, मैंने कहा ना हमारी बबली मर चुकी है, हम ये समझेंगे कि हमें ये मिली ही नहीं। मैं दिलावर हूं या बबली, लेकिन मेरे माँ बाप तो हमेशा तुम लोग ही रहोगे। मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे?
कुछ बड़ी सादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन तो चलनी है और रूह पर भी चाले हैं, कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने जख्म खाए हैं, कितने दर्द पाले हैं। अरे क्या तुम सारा दिन दुनिया के झमेलों में उलझे रहते हो, थोड़ा सा आराम कर लो, थक जाओगे। आराम का वक्त नहीं है मालिक, वो पुलिस वाली उस लड़की तक पहुंच गई है जहां मालिक ढूंढ ही लिया उसने, उसे कहा था तुमसे मैंने कि ये पुलिस वाली कुछ कर दिखाएगी, और आखिर कर दिखाया ना उसने। मैं तो कहूंगा मालिक, अगर कुछ अरसे के लिए आप बाहर चले जाए तो कजा वहीं दामन पकड़ती है जहां पे लिखी होती है। अगर तुम जाना चाहते हो बाहर तो मुझे कोई एतराज नहीं। ना नमक हराम नहीं हो मालिक, आपके जीते जी नहीं जाऊंगा। अरे हमारा तो अब जीने को जी ही नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे तो भी जीने के दिन है, जब भी जाना हो चले जाना, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है जिसके बारे में तूने मुझे बताया। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये फिलहाल तो पुलिस ने इतनी खबर दी है कि उस लड़के के कत्ल के केस में एक अहम पेशरफ थी, और उस केस के एक अहम किरदार को हिरासत में भी लिया गया। खैर ये बात यहां तक रुकेगी नहीं, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश में अच्छे अच्छे बोल पड़े। मालिक बहरोज करीम खतरे में है, मुझे जाना होगा। क्या करेगा जाकर, ये खबर तो उन लोगों तक पहुंच चुकी हो। शेख बहरोज करीम पर हाथ डालना इतना आसान होता तो पुलिस इससे पहले 10 दफा गिरफ्तार कर चुकी होती। हुकूमत गिर जाएगी सारी। आज के बहरोज करीम और कल के बहरोज करीम में बहुत फर्क है, मुझे रोकना मत। मैं रुक गया तो मैं सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जानता हूं तेरे अंदर की वफादारी तुझे कहीं चैन नहीं लेने देगी। मालिक को मेरा सलाम कहना। और कहना कि गुरु और उसके सारे वफादार उसके लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अमीर वो नहीं जिसके पास सोने और चांदी के ढेर हों, अमीर तो वो है जिसके पास तुम्हारे जैसा वफादार हो।
और आज बहरोज करीम से ज्यादा अमीर इस शहर में और कोई नहीं। बस मेरा बयान इस कदर है। तुम्हें क्या लगता है, ये लड़की कहीं अपने बयान से मुकर तो नहीं जाएगी कोर्ट में जाकर? नहीं सर, इसके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। पुलिस की मदद नहीं करेगी तो बहरोज करीम का ग्रोह इसे मार देगा। ये तो पहले ही छुपती फिर रही है। सोच लो बदर मुनीर, अगर कोई हाथ उल्टा पड़ गया ना तो हुकूमत के ऐवानों में बहुत से तख्त अपनी जगह से हिल जाएंगे। सर मुझे इस बात का एहसास है, मैं सिर्फ वही करना चाहती हूँ जो कानून की किताब में लिखा। ठीक, तैयारी करो, मैं होम सेक्रेटरी से बात करता हूँ वारंट के लिए। सर बेस्ट ऑफ लक। हाँ सेक्रेटरी मिलो। जिधर घुसी जा रही हो लगता है आज तुम्हारी यहां से लाश ही जाएगी। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा पुलिस ऑफिसर। ये सब क्या हो रहा है? मालिक इनकी जरूरत देखे, इन्होंने हमारे घर पे घेरा डाल लिया। आप मुझे इजाजत दें, आज तो या तो ये रहेगी या मैं। इतनी गर्मी क्यों चढ़ जाती है तुम्हारे सर पे? बाहर जो पुलिस वाले बैठे हैं उन्हें चाय पानी पूछो जाके और भिजवाओ इनके लिए। यहाँ मालिक आप जी क्या नाम है तुम्हारा? बड़ा फिल्मी सा। बदर मुनीर। क्या कर सकता हूँ? कुछ ज्यादा नहीं, आपका अरेस्ट वारंट लेकर आई हूँ। आपको कहा था ना अगली बार जब आऊंगी तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगी। बड़ी पक्की हो अपनी धुन की तुम, इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था तुम्हारे हवाले से। तो चलें सेठ बहरोज करें। चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है, पहले इल्जाम तो बताइए। इल्जाम की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल एम्बेसडर के बेटे वलीद और लैला सबा के कत्ल का अरेस्ट वारंट लेकर आई हूँ। अगर आप चाहें तो कागज का ये टुकड़ा देख सकते हैं। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोदे पश्चिमा का पश्चिमा होना। मालिक परिजात आया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे पास बहुत वक्त है, फिक्र मत कीजिए। सलाम अलैक। हाँ तो तुमसे भी सब्र नहीं हुआ, रंग लग गया है गुरु को जो तुम्हें रोक नहीं पाया। वो अच्छा तो ये है परिजात। पिछले चंद हफ्तों में बहुत नाम सुना इसका, इसे साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा है, अपने मालिक को कंपनी देना। सारे फैसले आप खुद ही कर लेंगे। एक कागज का पुर्जा आपके लिए हमारे पास भी है। हमारे वकील बड़े जिद्दी हैं, उनसे सब्र नहीं हुआ। ये वक्त ही जमानत आपको ज्यादा देर बचा नहीं सकती। आपके वफादार
फरीजाद का अरेस्ट वारंट भी है, फिलहाल इसे साथ लेकर जा रही हूँ। लेकिन याद रखिएगा, अगली बारी आपकी होगी। जाहिर, कोई बात नहीं, बुला लेंगे हम तुम्हें। जी मालिक। और कुछ? और चलावा लेकर आओ इसे, बड़े दिनों से तलाश थी हमें इसकी। ओए चल जल्दी मेहमान खाने का ताला खोल। अब तो आत आया ना, हमारे दिल के सारे अलमान निकलेंगे हमारे। चले डाला से जल्दी से चला। इसका मालिक तो आज बच गया मैडम, मगर अब ये बचकर कहीं नहीं जाएगा। मुजरिम हमेशा कानून से दो हाथ आगे की सोचता, इसीलिए बहरोज करीम पहले से ही जमानत कबल गिरफ्तारी का परवाना हाथ में लेके बैठे, इसे भी छुड़वाने की कोशिश करेगा, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसकी। तो फिर क्या किया जाए मैडम? मुंह खुलवाओ इसका, अभी अगले 2-3 दिन छुट्टी है, अदालतें भी बंद होंगी, यही 2-3 दिन है, उगलवाओ इससे सच। पूछ परी सादों से ये हिजर कैसे झेला है।